कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है, भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है, पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंडे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंडे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंडे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा, घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, संपदा नहीं रहेगी, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा। धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। महाराज लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र का, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, कष्ट बहुत ज्यादा है, या संबंध खराब हो रहे हैं बहू और बेटों के, संबंध खराब हो रहे हैं, अदालत में बात चली गई कि लड़की और लड़के का तलाक होने वाला है, बहू अपने घर जाकर बैठ गई, आने को तैयार नहीं है, जमाई अपने घर रह गया, लड़की को लाने को तैयार नहीं है, सास बहू में आपस में तनबन चल रही है, प्रेम बिल्कुल नहीं है, या लक्ष्मी आती ही नहीं, बहुत कष्ट है, जमीन जायदाद पड़ी बिक नहीं रही, तो एक काम करना, इतना दुख अगर आपके जीवन में है तो कार्तिक के महीने तक रुको, और कार्तिक का महीना आए, त्रयोदशी तिथि आए, कोई सा भी हो, सोमवार, रविवार, मंगल, बुध, कोई सी भी त्रयोदशी प्रदोष, कोई सी भी प्रदोष तिथि आए, उस दिन तुलसी की लकड़ी, पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो तो उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी का, सात लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो, लकड़ी का दीप, मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांध, और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है, इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए, तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलवट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए, और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डालकर तैयार कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं, और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं, जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरी चंदन प्रियता, जैसे शिव महापुराण में रुद्र चंदन का भाव है, शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण दिया जाता है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो उसका पांचवा स्कंध अवश्य पढ़िएगा महाराज, और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार खंड पढ़िएगा,
जिसमें रुद्र चंदन का प्रमाण है। रुद्र चंदन कैसा? रुद्र चंदन का प्रमाण कैसा? तो महाराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को तीन मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता। तीन मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता। लपेटोगे उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाएगा, एकदम चिकना, ठीक है, एकदम चिकना हो जाए। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो, सब फलदायी होती है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन, अर्थात जो चंदन का आपने तीन मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ही लगा, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए, और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान पर जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। यह कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता आप कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते, सिद्ध कर सकते। श्री